बुरहानपुर जिले के ग्राम धामन गांव में तालाब का पानी फरवरी महीने में ही खत्म होने से किसान एवं ग्रामीण परेशान है। किसान एवं ग्रामीणों ने बताया कि तालाब में पानी नहीं होने के कारण जानवरों को भी पीने को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे कई जानवरों की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि तालाब के पास एक जानवर मरा हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि पानी नहीं मिलने के कारण जानवरों की मौत हो रही है और तालाब में पानी नहीं होने के कारण किसानों की केली भी पूरी तरह से सूख गई है। आसपास के गांवों के लोगों को भी पीने को पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों को पानी 3-4 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पानी था, पानी जल संसाधन ने 900 रुपये एकड़ के हिसाब से और 500 रुपये मोटर का चार्ज लगाकर बेच दिया। अगर इसे बेचा नहीं जाता तो आसपास के गांवों में पीने के लिए पानी मिलता और जानवर भी नहीं मरते। बुरहानपुर से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। पानी क्या समस्या है? पानी तो जो डैम शासन ने डैम बनाया है वह डैम फरवरी की कगार पे सूख गया। ये डैम कितनी रुपए लागत से बना हुआ है? करीबन 30 करोड़ का बना है। अच्छा, क्या यहाँ पशुओं के पीने योग्य पानी है? था अभी तो। क्या यहाँ मोटर भी लगाई गई है? जिसकी परमिशन किसने दी? जल संसाधन विभाग ने कितनी राशि लेकर परमिशन दी? 900 रुपए का। आपका नाम बताइए।